दोस्तों यहाँ शाहरुख की किंग बढ़ती हुई दिख रही है आगे, और इतना ही नहीं ये फिल्म जो कि अब हमें देखने को मिल सकती है 2026 में ही। जी तो यहाँ पर जानने को मिल रहा है कि शाहरुख की किंग जो कि रिलीज़ होगी 2026 ईद के मौके पर। और इसी के साथ यहाँ पर कई सारे बड़े सवाल उठ जाते कि क्या 2026 ईद के मौके पर सलमान की फिल्म नहीं आएगी, और क्या शाहरुख खान की ये फिल्म जो कि किसी और फिल्म के साथ भी टकराएगी क्या। जैसे तो यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है रणवीर कपूर की एक फिल्म की, जो कि है रणवीर कपूर की काफ़ी बड़ी फिल्म यानी कि लव एंड वॉर, जो कि बना रहे हैं संजय लीला भंसाली। और यहाँ पर तो देखने को मिलती है कि भंसाली की फिल्में जो कि कुछ कुछ सालों बाद ही देखने को मिलती है, लेकिन जब भी उनकी फिल्म आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती है। तो ऐसे में भंसाली की इस फिल्म के साथ भी यही उम्मीद है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भंसाली ने अनाउंस किए कि उनकी ये फिल्म 2026 ईद के मौके पर आएगी, और इस फिल्म की रिलीज़ डेट को भी आगे बढ़ाया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर किंग की रिलीज़ डेट भी 2026 ईद के मौके पर ही रखने की प्लानिंग है, तो यहाँ पर अब लगभग ये तो साफ हो रहा है कि सलमान जो कि अपनी फिल्म 2026 ईद के मौके पर लाना नहीं चाहेंगे। और उसकी वजह रही कि यहाँ सलमान और इटली की आने वाली फिल्म जो कि लगभग पक्की है, ये 2026 ईद के मौके पर आ सकती थी, लेकिन शायद इस फिल्म के लिए और भी ज़्यादा वक्त लगेगा। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब